سورة المباركة الفاتحة. برای خوشنودی قلب مقدس امام عصر صلوات اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النية والغيبة الإلهية صلوات يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة يا رب الشهداء اشفي صدور الشهداء بظهور الحجة يا رب المؤمنين والمؤمنات اشفي صدور المؤمنات بظهور الحجة صلوات أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلوات अल्हम्दुलिल्लाह इस मौसम में परवाज़े रूहानी में आज हमने पांचवा कदम पांचवा स्टेप पांचवे मरहले से अपने आप को गुजारना है और जहां परवरदिगार आलम ने हमें इतनी तौफीक दी है इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम एहसास करेंगे आप देखिए ना उबैदुल्लाह इब्न हुर कौन था जिसके पास खुद इमाम गए उनके खेमे में गए दावत दी उनको हंट करना चाहा कैप्चर करना चाहा लेकिन उसने कहा मौला मैं बहुत बिजी हूँ बहुत काम है हाँ मेरे पास एक घोड़ा है कुछ चीज़ें हैं मैं आपको दे सकता हूँ और जब वो अपने काम ख़त्म करके आया तो इतनी देर हो चुकी थी कि वो वक्त असर आशूर का वक्त था वो बहुत पछताया लेकिन ख़त्म लेकिन मौला उसके पास गए जब उबैदुल्लाह इब्ने हुर्र जो अफी के पास जा सकते हैं तो हमें क्या शरीकतुल हुसैन
खैमे हुसैनी की तरफ दावत नहीं दे सकती, बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है, हर रोज़ यही। देखिए अगर ये सच्ची मजालिस हमें ज़ैनबी बना रही है स्टेप बाय स्टेप, उसका एक इंडिकेटर ये है कि रात को सोने से पहले यही सोच हमारे ऊपर गालिब रहे, सुबह उठते ही हुब्बे ज़ैनबी को हम फील कर सकें। हमारी कोशिश यही है ना, इन 9 डेज़ में हम लज्जत, प्लेजर, जो टेस्ट है, जो जॉय है, लज्जत मईयत ज़ैनब बिन्त अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को एहसास कर सकें। इस मईयत को, मईयत यू नो या इन अल्लाह मा साबरीन, द वे वी से मा मा या हमराही, कंपेनियनशिप, आप उसके साथ साथ रहना शुरू कर दें। आज 5वीं स्टेप और उस हैबिट को जिसको हमने अडॉप्ट करना है वो है सुरात इलल खैरात। हम स्टेप अप करें और स्पीड अप हो जाए टुवर्ड्स गुडनेस, अच्छाइयों की तरफ। जैसे ज़िंदगी में भी बार बार हमें कहा जाता है ना, हे उठो, आओ, इस तरफ आओ, रश या रन करो, दौड़ो। वाहिद जगह जहाँ कुरान ने, अहादीस ने बार बार कहा आपको कंपटीशन करनी चाहिए, आपको बहुत फास्ट होकर एक इस मुसाबिके में शिरकत करनी चाहिए और बहुत ज़्यादा स्पीड अप होना है, वो है गुडनेस, वो है खूबियाँ। तभी कुरान के देखिए अल्फाज पे गौर तो करें, इट्स सो ब्यूटीफुल द वे कुरान से सारिउ इला मग़फ़िरति मिन रब्बिकुम। देखिए वर्डिंग्स कितने प्यारे, सारिउ, सुस्ती नहीं, काहली नहीं, लेजीनेस नहीं, आज कल डिले नहीं, सारिउ। और कभी कभी क्या कहा, साबिकु, साबिकु मुसाबिका, यू नो या कंपटीशन करना, ओ ये पीछे मैं आगे, मुझे आगे जाना है। यहाँ अलाउ है कि आप अपने आप को दूसरों से भी नेकी में आगे 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 ले जाएं। सूरह अंबिया आयत नंबर 90 में क्या खूब परवरदिगार आलम ने एक डिवाइन फैमिली को हमारे लिए इंट्रोड्यूस करवाया है, एक जन्नती बेहश्ती ख़ानदान, ख़ानदान जनाब ज़करिया, और कहा इस ख़ानदान की 3 सिफ़ात है, 3 क्वालिटीज़ है। आज मैं सिर्फ एक की तरफ इशारा करूँगी। पहली क्वालिटी, पहली उनकी एट्रीब्यूट्स और हैबिट ये है, इन्नहुम कानू युसारिउना इलल खैरात। ये ऐसा ख़ानदान है कि जब खैर और नेकी का वक्त आ जाए तो वो बहुत सुरअत के साथ या बहुत ही ज़्यादा स्पीड अप हो जाते हैं और स्टेप अप होकर तेज़ी से उस खूबी की तरफ जाते। ये सिफत इंशाअल्लाह हमारे अंदर हो, वरना जनाब ज़ैनब कुबरा हमसे शिकायत करेंगी। उसकी एक मिसाल दे दूँ, बहुत सी मिसालें हम देंगे, एक मिसाल आप देखिए, जब अजान में परवरदिगार आलम हमें ये सिखा रहा है, अजान कहते हैं हदीस कुदसी है ये, उसमें हम जब कहते हैं ना हैया 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 यानी वाच अगेन या स्टेप अप करो, स्पीड अप करो, तेज़ी दिखाओ, उठो, इंजॉय करो इस वक्त को, हैया अला खैर अमल। जब तफसीर पूछी गई खैर अमल क्या है तो इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हैया अला खैर अमल। खैर अमल के लिए सबकत लेना चाहिए, और इस सबकत के लिए क्या है वो खैर अमल का, खैर अमल बिर लफातिमा व औलादहा, ये स्पेसिफिकली ज़ैनबी ख़ानदान के साथ, ये ख़ानदान इस्मत के साथ जो नेकी करना, कल हमने बताया मुहसिन आज़म है ज़ैनब कुबरा, इतना
बड़ा एहसान इन हस्तियों ने किया इन्हीं चीज़ों के लिए कि हम खैर की तरफ, गुडनेस की तरफ आ जाएं। तो हया अला खैर अमल, हया अला खैर अमल, के उस वक्त हम, अजान का वक्त क्या है, इंशाअल्लाह हुब ज़ैनबी का वक्त है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि हमारे बड़े कभी कभी जो है वो थोड़ा सा सख्ती के साथ बच्चों को बुलाए। कहते ना, अजान का वक्त खिलने का वक्त है, खुश होने का वक्त है, प्यार का वक्त है। अल्लाह ने अजान में हमें डांटा है? नहीं। तो हम क्यों डांटें दूसरों को, उठो नमाज का वक्त हो गया, अल्लाह ने ऐसे कहा है? नहीं। प्यारी प्यारी इकामे में कोई डांट नज़र आती है? नहीं। नमाज शुरू होती है तो कितना प्यार है, दिन में 60, 80, 100 टाइम्स वी से रहमान रहीम, रहमान रहीम, फिर भी नहीं सुधरते, फिर भी कभी कभी कड़वे हो जाते हैं। तो नमाज का टाइम बड़ा प्यारा टाइम होना चाहिए, सुरात करना है। लेकिन जवानों के लिए जो साइकोलॉजी बताई गई है इस्लाम में वो ये है कि आप जब एक दफ़ा उन्हें कह देते हैं ना, बच्चों को भी, तो वो सिग्नल्स उन तक पहुंचते पहुंचते कुछ टाइम लगता है। वैसे ही तो यूथ बड़ी स्पीडी होती है, लेकिन यहाँ पर आके पता नहीं क्यों यू नो हो जाता है थोड़ा, तो उन तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा टाइम लगता है। तो माएँ ज़रा सब्र कर लें, भाई बार बार ना कहें। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, इनकी साइकी है, वो कहते हैं एक दफ़ा बुलाया था, मैं उठना चाह रही थी, लेकिन जब थोड़ी देर बाद फिर दोबारा कहा तो मैंने कहा अब तो मैं नहीं उठूंगी, बार बार क्यों कह रही हैं, ज़िद पे आ जाते हैं ना। तो इसलिए टाइम दे, टाइम दे, वो खुद अपने टाइम से उठेंगे ये। और लेकिन इंशाअल्लाह टाइम से मुराद यकीनन इंशाअल्लाह फ्यू सेकंड्स है, फ्यू मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं है। और क्या खूब हदीस ने कहा, रहिमल्लाह इमरातन قامت في الليل فصلت وايقظت زوجها। खुदा इतने प्यार से देखता है उन ख़वातीन को जो खुद उठती हैं नमाज के लिए, ख़ास तौर पर सलातुल लैल के लिए, और फिर बहुत प्यार से अपने घर वालों को भी जगाती हैं। नमाज का वक्त सबसे प्यार का वक्त है। आप, मुझे नहीं पता आप लोग बोसा दे दे कर जगाते हैं, किस करते हैं हाथों को, रुखसारों को, जितना प्यार हो उस वक्त दे, वो है ही चार्ज होने का। हम सब प्यार के मोहताज हैं, किसे वो आवाज़ याद नहीं रहती जो माँ बाप प्यार से पुकारते हों। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, गुस्सा यही है कि आप अगर कह दे जिस दिन जवाद, या जिस दिन आपने कह दिया अहमद, जिस दिन आपने कह दिया आदम, वो गुस्सा है, दैट्स इट। और हमेशा आपने किस तरह कहना है, ख़ासतौर पर नमाज के वक्त बहुत प्यार के साथ बोसा किस करते हुए उनको जगाना है। हदीस में है कि जब बीवी उठती है और अपने शौहर को जगाती है तो अल्लाह को ये काम, लेकिन शौहर की इजाज़त से, ये भी बच्चों की भी इजाज़त से, हम इनक्रेज कर सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मुझे याद है एक साल पहले टोरंटो में एक यंग मदर मुझे कह रही कि हमें तो कुछ ऐसा सिखाया गया है कि बच्चों को जगाओ 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 जगाओ, नहीं जागते नहीं जागते, तो ऐसे धक्का दो कि वो बेड से गिर जाएं और उठ ही जाएं और नमाज सुबह पढ़ लें। लिटरली उन्होंने मुझे कहा, मैं कहा व्हाट, ये किसने कहा आपको, ये है ही नहीं दीन में कि आप इतना ज़्यादा उन्हें पुश करें कि वो मजबूर हो के उठ ही जाएँ। हाँ, ये किया जा सकता है कि आप बात करें, ऐसा कहें कि मामा भी उठना चाहती हैं, आई डोंट नो, समटाइम्स आई गेट सो लेज़ी, ज़ाहरा आसिया हम क्या करें, आई डोंट नो, अपने ऊपर ले ले। मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं पूछती हूँ हुसैन मामा को ऐसे हो रहा है, मामा क्या करें, यू नो कोई सोल्यूशन है आपके पास? आई नो माई हुसैन नोज बेटर देन मी, माई काजिम नोज, यू नो योर माइंड वर्क्स बेटर देन मामा, यू पीपल हैव मोर नाइसर यू नो सोल्यूशन। और वो खुद उनका फिर आहिस्ता आहिस्ता माइंड काम करता है, मामा ये करते हैं, मामा ऐसे करते हैं, ऐसे करेंगे तो हमारा मसला हल हो जाएगा। उन्हें सोचने दें, प्यार से कहें कि मुझे भी कभी कभी ऐसा होता है, मैं भी जवानी में कभी ऐसी गलतियाँ करती थी। गलतियाँ होती ही नौजवानी में हैं, और कब होगी बताएं मुझे आप, कब होगी, बताइए ना, ख़त्म, दैट्स इट, फिर हम क्यों परेशान होते हैं।
हमें बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी है, ठीक है, कि फौरन बच्चे फिक्स हो जाएं, ठीक हो जाएं, क्विकली हर चीज़ हमें जल्दी चाहिए. मदर्स को ना सफाई जल्दी दीजिए, खाना पक जाए, ये भी हो जाए, सब ठीक हो जाए, मैं एक दुआ कर लूँ और हर चीज़ हल हो जाए, हो जाए, हो जाए. उस जल्दी में काम ख़राब हो जाता है. हम कहते हैं ना अजले खौरे शैतूने, शैतान जो है वो अजले अजले यानी जल्दी जल्दी करता है. आज मैं इब्तिदा में ही, मुझे याद रहे इस किताब से, मैं एक अमल आपको बताने जा रही हूँ. बहुत प्यारा अमल है और इससे हम अपनी बड़ी बड़ी जो उलझने हैं उसको दूर कर सकते हैं, क्योंकि ये फिक्स हो जाए तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी. और ये अमल इतना खूबसूरत है कि हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया है, ये हलाल मुश्किलात के जो उस्ताद हैं वो फरमा रहे हैं कि अगर कुछ भी आपको चाहिए और आपको कोई ऐसा अमल चाहिए जो जल्दी भी हो, जल्दी असर करे. आज हम सुरात के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस दो रकत नमाज को पढ़ें, अला हैयते सलाते जाफर, जाफर तैयार. नमाज जाफर तैयार भी नबी ने गिफ्ट के तौर पे दी थी ना, ठीक है, और ये तो उनका करम है, होती उनकी चीज़ है लेकिन मंसूब उनसे कर देते हैं जिसको दे देते हैं. तो ये इतना अच्छा लगता है, हम कहते हैं जाफर तैयार की नमाज, हालांकि उनका कुछ भी नहीं है, दिया हुआ भी नबी का है, सिखाया भी उन्होंने उनको, बस क्योंकि दे दिया तो हम उनका नाम, जबकि होता ये कि हम कहते हैं ये गिफ्ट है रसूल अल्लाह का, ये गिफ्ट है रसूल अल्लाह का, नाम बार बार नबी का आना चाहिए, लेकिन हमेशा नाम कुमेल का आता है, अबू हमज़े सोमाली का आता है, जाफर तैयार का आता है. कितना प्यारा दीन है ना, कि दूसरों को इज्जत दो, मकाम दो, टाइटल दो और ऑनर दो. ये बहुत ही हसीन, केयरिंग, लविंग दीन है. अला है आ, यानी बिल्कुल उसी शक्ल में जिस शक्ल में नमाज जाफर तैयार पढ़ते, लेकिन डेफिनेटली क्यूट सा, शॉर्ट सा, ईजी सा है, ठीक है, ईजी पीजी. ओके, इसमें क्या करना है, आपने दो रकअत नमाज पढ़नी है, पहली रकत में नमाज के बाद सूरह कद्र, दूसरी रकत में भी सूरह कद्र. सूरह कद्र पढ़ने के बाद 15 टाइम्स अस्तग़फिरुल्लाह, दैट्स इट,